आज बात करने वाले हैं ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस पुराना बना हुआ है और अभी तक आपने केवाईसी नहीं करी है तो देखिए इसकी केवाईसी अब देखिए ऑनलाइन है। आपको आरटीओ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर बैठे मोबाइल से या लैपटॉप से कंप्यूटर से आप आधार बेस ई केवाईसी कर सकते हैं, जिससे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्टिव बना रहे। तो इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताएंगे, इसके लिए करना क्या, परिवहन सेवा की ये वेबसाइट है, आपको यहाँ पर आना है। जैसे यहाँ पर आ जाते हैं देखिए थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना है, यहाँ पर ड्राइवर एंड लर्नर लाइसेंस, तो आपको इसी बटन पर टिक कर देना है। देखिए जैसे ही आप टिक कर देते हैं यहाँ से पूछेगा कि आपका जो स्टेट है कौन सा लगता है, तो देखिए यहाँ पर सारे स्टेट आ जाएंगे। तो देखिए हमारा उत्तर प्रदेश है तो हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लें। अब देखिए हम स्टेट सिलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पर इतनी सारी सर्विसेज हैं जो ऑनलाइन हम घर बैठे एक्सेस कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर अपना इशू लर्निंग लाइसेंस घर बैठे आप इशू कर सकते हैं, डुप्लीकेट डीएल है आप घर बैठे इशू कर सकते हैं, बैठे अपने डीएल को रिप्लेस कर सकते हैं यानी दोबारा से मंगवा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आप घर बैठे अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, जैसे डीएल है और यहाँ पर एलएल है यानी लर्निंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है। उसके बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस पर एड्रेस बदलना चाहते हैं वो भी घर बैठे, और यहाँ पर आप डीएल को एक्सट्रेट, इतनी सारी सर्विसेज हैं आप घर बैठे एक्सेस कर पाएंगे। पहले का अपडेट मोबाइल नंबर इन एलएल डीएल सीएल, तो आपको इसी बटन पर टिक कर देना है। तो देखिए जैसे ही आप टिक करते हैं देखिए यहाँ से आपको दो काम हो जाते हैं, एक लाइसेंस है उसकी केवाईसी भी हो जाएगी और दूसरी बात जो आपके आधार से लिंक मोबाइल होगा वो भी अपडेट यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको आधार नंबर वाली बटन मिलेगी, आपको इसी बटन पर टिक करना है। जैसे यहाँ पर टिक कर देते हैं वैसे यहाँ पे हमें आधार नंबर फिल करने का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आधार नंबर फिल करके जनरेट ओटीपी कर देना है। जो भी आधार से लिंक आपका मोबाइल होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। तो देखिए मोबाइल नंबर वो आपको यहाँ पे लास्ट के 4 करेक्टर देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आपके मोबाइल पे ओटीपी आ चुका है तो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। इन तीनों टर्म को आपको एक्सेप्ट करके ऑथेंटिकेट वाली बटन है आपको इस पर टिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर जो भी आपकी आधार की डिटेल है देखिए यहाँ पर सारी देखने को आपको मिल जाएगी, यानी डेटा है बिल्कुल आधार से यहाँ पर देखिए कैप्चर कर लिया गया है, यहाँ पर पूरा एड्रेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक बटन मिलेगी प्रोसीड वाली, तो ना आपको इसी प्रोसीड वाली बटन पर टिक कर देना है। अब देखिए हमें यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस मिल जाएंगे। अब यहाँ पर लगेगा सिलेक्ट, तो हमें किसकी यहाँ पर केवाईसी करनी है, जैसे लर्निंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, तो देखिए हमें ड्राइविंग लाइसेंस करनी है तो हम यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस सिलेक्ट कर लेंगे। हमें डीएल नंबर फिल कर देना है, डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी यहाँ देखने को मिल जाएगी, और उसके बाद यहाँ पर सबमिट कर देना है। अब देखिए हमें यहाँ पर जो ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल है वो डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। देखिए जैसा आपके आधार पर नाम लिखा है वैसे ही सेम डीएल पर लिखा होगा तभी आपकी केवाईसी होगी। अगर आपका नाम डीएल पर कुछ और लिखा है, आपका कुछ और लिखा है आधार पर, तो देखिए केवाईसी आपकी नहीं हो पाएगी, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। अब करना क्या, यहाँ पर आपको लिखा है प्रोसीड, आपको इसी पर टिक कर देना है। अगर देखिए आप मोबाइल नंबर जो अभी आपका लगा हुआ है वही रखना चाहते हैं तो यहाँ पर सेम वही मोबाइल नंबर फिल कर देना है, मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर देना है, या फिर आप चाहते हैं कि हम अपना दूसरा मोबाइल नंबर लगाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर लगाना चाहते हैं दोनों बॉक्सों में आपको वही मोबाइल नंबर फिल कर देना है। और यहाँ पर रीजन है, आपको यहाँ पर रीजन डाल देना है। रीजन में क्या है, यहाँ पर अपडेट मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं या लॉस्ट माई मोबाइल नंबर भी कर सकते हैं, या फिर जो भी आपका रीजन है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना और यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। अब ओटीपी आपके मोबाइल पर गया वो ओटीपी यहाँ पर फिल कर देना है, उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई बटन मिलेगी, आपको इसी पर टिक कर देना है। तो देखिए जो मोबाइल नंबर आपने दिया था देखिए यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई सक्सेसफुली हो चुका है, अब यहाँ पर प्रोसीड वाली बटन है इस पर टिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर लगा सक्सेसफुली अपडेटेड लाइसेंस नंबर इतना मिल जाएगा और आपका मोबाइल नंबर ये, यानी लाइसेंस की देखिए केवाईसी भी होगी और आपने जो मोबाइल नंबर अपडेट किया है वो भी आपका देखिए यहाँ पर लग चुका है। देखिए यहाँ पर ये सर को आरटीओ जाने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आप मोबाइल नंबर लगाते हैं तो तुरंत लग जाता है, केवाईसी करते हैं तो आपका तुरंत हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस की केवाईसी कर सकते हैं, जिससे कि आपका ड्राइविंग